नमस्कार, गुड लक टिप्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज गुड लक टिप्स में हम जानेंगे कि आपके सितारों की चाल कैसे रहने वाली है, आज के दिन आप क्या करें और क्या ना करें। तो वहीं अगर आज कोई शुभ संयोग है तो ऐसे में क्या कुछ खास आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं कि आज का शुभ संयोग है क्या। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपयदृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे क्या कहते हैं आज के दिन आपके सितारे, कैसी रहेगी आज आपकी ग्रहों की चाल, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है। आज परमेश्वर शिव के आशुतोष स्वरूप का व्रत करना, पूजन करना, उपाय करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन भगवान शिव के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है, मन खुश बना रहता है, एक गुड फील बना रहता है, हर काम में मन लगा रहता है। तो आज सोमवार को भगवान आशुतोष को कैसे प्रसन्न किया जाए, किस सरल विधि से प्रसन्न किया जाए, उसको भी साथ साथ में समझ लेते हैं। आज भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप में सफेद शिवलिंग का आपको पूजन करना है। ध्यान रखिएगा, जिस शिव मंदिर में सफेद शिवलिंग हो वहां पर आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। सफेद शिवलिंग का कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना है, छाछ से आपको भगवान शिव का, आशुतोष का अभिषेक करना है, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान आशुतोष का अभिषेक करना है, सुगंधित इत्र के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है, दूध से अभिषेक करना है, शुद्ध देशी घी से अभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है। अभिषेक के पश्चात में भगवान आशुतोष का पंचोपचार पूजन करें, गौघृत का दीप प्रज्वलित करें, चंदन से बनी धूप बत्ती की धूप प्रज्वलित करें, बिलपत्र भगवान आशुतोष को अर्पण करें, सफ़ेद कनेर के पुष्प भगवान आशुतोष को अर्पण करें, चंदन से भगवान आशुतोष का तिलक करें, सफ़ेद पेड़ों का भोग भगवान आशुतोष को लगाएं। एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उसका एक माला कम से कम आपको वहीं शिवलिंग के समक्ष बैठकर आपको उस मंत्र का जाप करना है। सफ़ेद पेड़ों का भोग जो आपने लगाया है, पूजन के पश्चात में भोग किसी छोटी कन्या को खिला दीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम बम आशुतोषाय बम नमः, ओम बम आशुतोषाय बम नमः, ओम बम आशुतोषाय बम नमः, ओम बम आशुतोषाय बम नमः। तो जो भी भक्त सोमवार के दिन नाना प्रकार के उपचारों से पारस से बने हुए शिवलिंग का पूजन अर्चन करता है, सफेद शिवलिंग की पूजन अर्चन करता है, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देता है, मानसिक अवसाद डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है, हर तरह का सुख, हर तरह की समृद्धि उसके चरणों में होती है। तो चलिए, आपको जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि सोमवार के दिन किस तरीके से आप पूजन विधि को अपना सकते हैं, कौन से मंत्रोच्चार के साथ आप पूजा कर सकते हैं, तो वाकई में अगर आप ये सब उपाय अपनाएंगे, पूजा करेंगे, तो निश्चित तौर पर भगवान आशुतोष यानी शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। सोमवार का खास दिन है, ऐसे में आपका राशिफल क्या रहने वाला है, इसको लेकर अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली तीन राशि की बात हम लोग करते हैं, मेष, वृष और मिथुन की। तो पंडित जी, तीनों राशियों के बारे में एक एक करके आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज इन तीनों राशि फल के बारे में अगर हम जिक्र करें तो कैसा रहेगा इन तीनों के लिए दिन। जी बिल्कुल, आइए दोस्तों जान लेते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, क्या कहते हैं आज के दिन सितारे आपके।
शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नौकरी के अंदर, बिजनेस के अंदर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी, बस आपको अपना 100% देना है। रेस्ट लिव ऑन द गॉड। कुछ कल्पनाएं, मन में आती हुई कल्पनाएं आपके मन को व्यथित भी कर सकती है, तो बहुत ज़्यादा मन के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, इमोशनल मत बनिएगा, बी प्रैक्टिकल टूडे, क्योंकि आज का दिन आपके कार्य के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में दूध का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर आज का दिन आपका सफलताओं से भरा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। पुट यूर 100% एफर्ट्स, अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से आज के दिन में आप बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर आज का दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने विचारों या रूटीन लाइफ में थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ सकता है। जो भी आपकी रूटीन लाइफ की दिनचर्या जो आपकी है, उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। आपके थॉट्स में भी बदलाव करना पड़ सकता है। जहां जरूरत पड़े वहीं समझौता करने के लिए भी तैयार रहिएगा। अड़ियल पना मत रखिएगा, जरूरत के अनुसार समझौता करने को तैयार रहिएगा। अगर आज के दिन को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, आज के दिन की सफलता के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन आपको सफलता प्रदान करेगा। तो पहले तीन राशियों के बारे में तो हमने जान लिया है कि आज इनका दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। तो उनका राशिफल आज कैसा होगा वो पंडित जी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, आइए बात करते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आज सोमवार का दिन है, महत्वपूर्ण कार्यों के ऊपर सुबह ही आज आप लिस्ट बना लीजिएगा कि आज कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको करने हैं, और उन महत्वपूर्ण कार्यों पर आज अपना फोकस बनाइए, नज़र बनाइएगा उस पर, और प्रयास करेंगे तो जितने भी आज आपने प्लान कर रखे हैं, जितने भी काम, उन सभी कामों में आपको सफलता मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने काम को लेकर किसी भी तरह का डर मन में मत रखिएगा। जो भी आप काम करते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा अपने वर्क को लेकर प्रेशर में आ जाते हैं और वो एक डर हमारे अंदर बैठ जाता है। आपको काम को लेकर कोई प्रेशर नहीं रखना है, कोई डर अपने मन में नहीं रखना है। अपने नौकरी के क्षेत्र में, अपने व्यापार के, अपने बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिश करते रहिएगा, अपने एफर्ट्स डालते रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा, डर को निकाल दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अति उत्साह में, जल्दबाजी में बनते बनते काम को भी बिगाड़ सकते हैं। अति उत्साह और जल्दबाजी में कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो बनता बनता काम भी बिगड़ जावे, और काम करने और काम, अपना काम निकलवाने के लिए, कोई हमारा काम है उसको निकलवाना है, पूरा करना है, और हमें भी अपना काम करना है, तो अपनी जो नेचर है, अपना जो व्यवहार है, उसको बैलेंस रखना होगा, संतुलित रखना होगा, ओवर रिएक्शन से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन आपका सफलताओं से भरा रहेगा। तो देखिए, छह राशियों के बारे में आपने जाना कि आज उनका राशिफल कैसे रहने वाला है। अन्य राशियों की भी हम बात करेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए, अब छह राशियों का जिक्र तो हमने ब्रेक से पहले ही कर लिया था, अब आगे की राशियों की बात करते हैं। और अब बात करते हैं हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तो पंडित जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इन राशियों की अगर हम बात करें तो आज इनका दिन कैसा रहने वाला है और फल क्या होगा आज राशिफल। जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, तुला राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, आज आपको आपके जो इम्पोर्टेंट काम है, जरूरी काम है, उनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। क्योंकि सोचे हुए जितने भी कामकाज हैं आपके, जितने भी प्लान करे हुए जितने भी काम हैं, वो आज सारे पूर्ण हो सकते हैं, संपूर्ण हो सकते हैं। कामकाज में दिया गया समय आपको फायदा देगा, इसमें आज कोई दो राय नहीं है। जो भी आप समय दे रहे हैं, जिस भी काम को दे रहे हैं, काम अगर पूरा हो जाता है तो खुशी तो प्राप्त होती है। आज के दिन की सफलता के लिए मीठी लस्सी का सेवन करके, मीठा दही, मीठी लस्सी का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप अपने व्यवसाय को, अपने नौकरी को बदलने के मूड में हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको ऐसी कोशिश नहीं करनी है। दिस इज नॉट राइट टाइम टू चेंज योर जॉब और बिजनेस। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अपने अच्छे समय का इंतज़ार कीजिएगा, उसके बाद नौकरी या अपने बिजनेस को बदलने की सोचिएगा। आज के दिन आपके काम थोड़ा इजी वे में नहीं होंगे, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता, हर्डल्स आ सकती हैं, लेकिन आप घबराइएगा मत, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, शाम तक आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए शिव चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने मूड को कंट्रोल में रखना होगा, मूड स्विंग्स को कंट्रोल में रखना होगा। अदरवाइज हाथ में आया हुआ कोई अच्छा अवसर जो आपको तरक्की, उन्नति दिला सकता है, वो अवसर जा सकता है। मूड को कंट्रोल रखिएगा, मूड स्विंग को कंट्रोल रखिएगा, ताकि कोई बेटर अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने वाली है वो लॉस्ट नहीं हो। धैर्य और सहनशीलता आज के लिए आपको इन दो शब्दों को अपने साथ रखना होगा। धैर्य और सहनशीलता, ये दोनों आपके लिए लाभदायक रहेंगी। आज के दिन की सफलता के लिए गौशाला चले जाइएगा, वहाँ पर बैल होगा, बैल को हरा चारा और गुड़ खिलाइएगा, निश्चित तौर पर जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी और पूरे दिन आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल जिस तरीके से पंडित जी ने बताया, अगर आप भी उसी अकॉर्डिंग आज चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका ये जो डे है बहुत अच्छा रहने वाला है और शुभ भी रहेगा। अगर पंडित जी हम बात करें मकर, कुंभ और मीन राशि की, तो इनका राशिफल कैसा रहने वाला है और जिनकी भी राशि है उनको आज किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज एक समय में एक ही काम को पूरा करना है। बहुत सारे काम एक साथ पूरा करने का प्रयास मत कीजिएगा और जो भी काम करें वो पूरे फोकस के साथ करें। यदि एक ही काम में कंसंट्रेट करेंगे, पूरे फोकस के साथ करेंगे, तो 100% उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने साथियों के साथ में, परिवार के साथ में, अधिकारियों के साथ में छोटी सी बहस से आपका मूड खराब हो सकता है, तो आज आपको किसी भी तरह की छोटी मोटी बहस को, आर्गुमेंट्स को अवॉइड करना है। आज के दिन की सफलता के लिए बच्चों में, छोटे बच्चों में बिस्कुट के पैकेट बांटिएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन आपका सफलताओं से भरा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में जो कमियाँ हैं, उन कमियों के बारे में सोचने की बजाय आपके कैरियर में, आपकी बिजनेस में, आपके पर्सनल लाइफ में जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में सोचिएगा। नेगेटिव थॉट्स को तो साइड में रख दीजिएगा और पॉजिटिव, जो भी आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो बस उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। यदि आज आपने इस फलसफे को अपना कर दिन की शुरुआत करी, तो निश्चित तौर पर पूरा दिन आपके
जो है वो एक गुड फील आपको बना रहेगा, और वही करो जो आपका मन कहे, जो आपको उचित लगता हो, बिकॉज यू आर द परफेक्ट पर्सन। इसलिए इस फलसफे के साथ चलिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय भोजन करवा दीजिएगा, निश्चित तौर पर आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई स्टेप उठाने पड़ेंगे। शुरुआत में कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है, लेकिन ये सब आपके लिए फ्यूचर में, भविष्य में लाभकारी रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, चाहे दवाइयों का दान हो, चाहे अन्न का दान हो, चाहे धन का दान हो, जो भी जरूरत हो, जो भी नीड हो, उसके अनुसार दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज का दिन आपके लिए पूर्ण रूप से सफल रहेगा। तो पंडित जी देखिए, हमने एक एक करके हर राशि का जिक्र भी किया और ये भी बताया कि किस तरीके से आज के दिन का उनका व्यवहार होना चाहिए, क्या कुछ खास वो कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें पूरे दिन के लिए कुछ स्पेशल गुड लक टिप्स की, कि सभी लोग क्या अपना सकते हैं और इनको अपनाने के साथ, इन टिप्स को अपनाने के साथ किस तरीके से वो अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं आज सोमवार के दिन को पूर्ण रूप से सफल, सुखमय बनाने वाले कुछ स्पेशल गुड लक टिप्स। सबसे पहला गुड लक टिप्स आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, बीमारियों से जुड़ा हुआ है। तो यदि आज आप पूर्ण रूप से सेहतमंद रहना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, तो आज पीपल के वृक्ष पर कच्चा दूध का अर्घ प्रदान कीजिएगा। डायबिटीज, कैंसर, सर्वाइकल जैसी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। आज का गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पास में जहाँ भी शिवलिंग हो, जहाँ शिव मंदिर हो, वहाँ चले जाइएगा। एक 10 रुपए का दही का पैकेट लेके जाइएगा और भगवान शिव के ऊपर ठंडा ठंडा दही जो है वो अर्पण कीजिएगा, और फिर जल से उनका अभिषेक करके अपने एग्जामिनेशन में, अपने कंपटीशन में 100% सक्सेस के लिए प्रार्थना कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आज का गुड लक टिप्स हमारे उन दर्शकों के लिए जो कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, धन आगमन चाहते हैं, अच्छी वेल्थ चाहते हैं, तो अगर आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए, बढ़ता हुआ कर्ज आपको परेशान कर रहा है, तो सोमवार का नियम मान लीजिए, शिव मंदिर में जाइए, एक मीठी रोटी बनाकर, जो आप कई बार मीठी रोटी खाते हैं ना, वैसी भगवान के लिए आज भोग में मीठी रोटी बनाइएगा और मीठी रोटी का भोग भगवान आशुतोष को लगाइएगा। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। आज का गुड लक टिप्स हमारे नौकरी पेशा दशकों से जुड़ा है, बिजनेसमैन दशकों से जुड़ा हुआ है। अगर आप आज के दिन को सक्सेसफुली बनाना चाहते हैं, ऑफिस में अच्छा दिन रहे, व्यापार में दिन अच्छा रहे, तो आज सफ़ेद शर्ट, वाइट शर्ट पहनकर निकलिएगा और अपने पॉकेट में एक लाल गुलाब का पुष्प रख लीजिएगा। लाल गुलाब का पुष्प रख के और सफ़ेद शर्ट पहन के आप अपने ऑफिस जाइएगा, बिजनेस में जाइएगा, पूरा दिन आपका बेहतरीन बना रहेगा। आज का गुड लक टिप्स आपके घर की सुख शांति समृद्धि से जुड़ा हुआ है, तो आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चुटकी चुटकी थोड़ा थोड़ा सा आटा, चुटकी भर आटा घर के मुख्य द्वार के या बिजनेस अपने शोरूम के मुख्य द्वार के दोनों तरफ डाल दीजिएगा। निश्चित तौर पर व्यापार हो चाहे घर हो, सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। तो पंडित जी ने आज के गुड लक टिप्स आपको बताए कि अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो कौन सा गुड लक टिप आप अपनाएं, अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो भी उन्होंने बताया, अगर आपकी जॉब में कोई दिक्कत आ रही है तो उससे रिलेटेड भी गुड लक टिप बताया, तो वहीं घर में सुख शांति समृद्धि किस तरीके से बनी रहे, तो वहीं माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे हो, इसको लेकर भी गुड लक टिप बताया। पर पंडित जी, हर दिन का कोई ना कोई दिव्य मंत्र ज़रूर होता है जिसके उच्चारण के साथ ज़िंदगी के हर कष्ट मिट जाते हैं, तो आज का दिव्य मंत्र क्या है? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं आज सोमवार का दिव्य मंत्र। बड़ा ही दुर्लभ दिव्य मंत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः,
ओम अपराय नमः, लाभ क्या है? यदि आप नौकरी करते हैं और नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तरक्की, उन्नति, नेम फेम बनना चाहते हैं, तो ओम अपराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। नौकरी में मन चाही सफलता आपको प्राप्त होगी, तरक्की उन्नति प्राप्त होगी, साथ ही मन चाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी होगा। यही नहीं, जो बच्चे एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस कलेक्टर बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, यदि वो भी इस मंत्र का ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः इस मंत्र का जाप करें तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। और बिजनेस करने वाले दर्शक, यदि व्यापार में 100% सफलता चाहते हो, गल्ला धन से भरा रहे, कस्टमर आते रहें और खरीदारी करते रहें और शाम को निकले तो बैग भर के नोट लेके निकले, तो दुकान में जाते ही पूजा स्थान पे बैठ के पूजा करके ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आप देखिएगा उस पूरे दिन आपकी दुकान के अंदर कस्टमर्स की भीड़ लगी रहेगी। शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर सोमवार को भगवान आशुतोष को भोग लगाइएगा। शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर आशुतोष भगवान को भोग लगाइएगा निश्चित तौर पर, और वहीं बैठ के ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली जितनी भी हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं, रोक हैं, रुकावट हैं, वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। कहते हैं कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, एक सरल सा मंत्र, एक सूक्ष्म मंत्र भी आपके जीवन की बिगड़ी हुई दशा को बदल सकता है, आपके दुखों को दूर कर सकता है, आपके बैड लक को गुड लक के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो बिल्कुल पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि सारे उपाय अपनाकर उनका जो जीवन है और भी ज़्यादा सुखमय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गुड लक टिप्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।